चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। टेंथ में मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था जितना मैंने ट्वेल्थ में पढ़ा, और उसके हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं हेजिटेशन है कि ट्वेल्थ में कहीं मेरी परसेंटेज लो ना हो। कोई लड़का अगर अपने ट्वेल्थ अलेवेंथ अपनी खो चुका है, बिल्कुल जीरो परसेंटेज या फिर उसकी मनचाही परसेंटेज नहीं आई, वो ट्वेल्थ में स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा था, लास्ट में बचा कि प्रमोट हो गया, तो उसकी मेहनत तो जीरो होगी। इससे बेहतर है कि अपनी मजदूरी पूरी करो, अपना काम करो, नौकरी की तो कोई चांस ही नहीं है। जहाँ तक मैंने नॉलेज गेन की है इंटरनेट के माध्यम से, तो उसमें हमें पता चला कि कुछ आपका 20% जो है टेंथ के बेसिस पे मिलेंगे, और कुछ आपके इलेवंथ के प्री बोर्ड्स वगैरह हुए जो इलेवंथ के बेसिस पर मिलेंगे, और ट्वेल्थ के प्री बोर्ड जो आपके होम बोर्ड हुए स्कूल के अंदर उसके बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ से मोस्टली जो बच्चे हैं वो अनसेटिस्फाई हैं, और अनसेटिस्फाई मैं भी हूँ, क्योंकि टेंथ में मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था जितना मैंने ट्वेल्थ में पढ़ा, और उसके हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं हेजिटेशन है कि ट्वेल्थ में कहीं मेरी परसेंटेज लो ना हो। जो मेरा एक ड्रीम था एफकेट, जो गर्ल्स के लिए एंट्री होती है एयरफोर्स में, उसमें आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम 60% लानी होती है, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में अलग अलग तरीके से, और आपका जो परसेंटेज होता है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि टेंथ के बेसिस पर और आपको इलेवंथ और ट्वेल्थ के बेसिस पर कुछ मार्क्स ऐड करेंगे, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हूँ। अब आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है? मेरी अभी कोई इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, जैसे कि एग्ज़ाम्स का अगर आपके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, तो उस वजह से आप थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं पढ़ाई को लेकर। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं अभी 12th पास आउट हूँ। कैसे हुए आप पास? पास प्रमोटेशन की वजह से हुआ है, गवर्नमेंट का आदेश था प्रमोट कर दो, तो प्रमोट की वजह से मैं पास हो गया। आपके बाद तो कैसा लगा आपको प्रमोट होकर के? प्रमोट होने के बाद अच्छा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है उसका कारण है कि गवर्नमेंट ने सबको एक तरफा ले दिया, बट अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से नंबर दे तो गलत होगा, वैसे पेपर लेने चाहिए थे गवर्नमेंट को अच्छे से करते, क्योंकि स्टार्टिंग से कोई बंदा अगर मेहनत कर रहा था 12वीं में, लास्ट में जाने के बाद पता चला कि उसको प्रमोट हो गया, तो सारी मेहनत जीरो। कोई लड़का अगर अपने 12th 11th अपनी खो चुका है, बिल्कुल जीरो परसेंटेज या फिर उसकी मनचाही परसेंटेज नहीं आई, वो 12th में स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा था, लास्ट में पता चला कि प्रमोट हो गया, तो उसकी मेहनत तो जीरो होगी। लेकिन अगर पेपर होता तो क्या पता 80, 90 या 95 अपने हिसाब से नंबर लाता। सबसे बड़ी दिक्कत होगी किसी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना, उसके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा 11th और 12th बेस कमज़ोर हो गया, और उसके एडमिशन के लिए 11th और 12th बेस कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग चाहिए, बट ये तो कमज़ोर हो गया, और गवर्नमेंट ने भी प्रमोट करने के बाद और इसमें एक तरह खंजर का काम किया है। जब भी गवर्नमेंट को अगर थोड़ा पेपर लेना था तो गवर्नमेंट को 30% कट के साथ पेपर लेना था, और पेपर अच्छे से लेना था, क्योंकि चुनाव भी तो करवाई है ना गवर्नमेंट ने भी 1.5 महीने पहले। अच्छा, तो जब चुनाव करवा सकते हैं तो पेपर भी करा सकते हैं ना। आप बता रहे हो कि क्या आपका ग्रेजुएशन करने का कोई विचार है? हाँ जी, ग्रेजुएशन करने का विचार तो है, और मैं सबसे पहला विकल्प सब अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को मानूंगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण यूनिवर्सिटी ऐसी है जो गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया यहाँ पे खोल के। अगर यह ना होती तो किसी बंदे को क्या पता दिल्ली देहरादून कहाँ पे जाना पड़ता, और फाइनेंस भी इतनी है यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किसी लोगों की कि वे दिल्ली या देहरादून जाके किसी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले और बड़ी बड़ी डिग्री कॉलेज में पढ़े, क्योंकि वहाँ पर 1 या 1.5 लाख का खर्चा आता है, जबकि फाइनेंस के ऊपर ऐसे नहीं उठा सकता यहाँ का कोई बंदा। Yeah.
क्या करते हो फिरोज भाई आप? मैं भाई पहले तो स्टूडेंट था, जो लॉकडाउन लगा उससे मैंने काम सीख लिया पेंट का। कितने नंबर आए थे आपके पिछली कक्षा में 11वीं क्लास में? 11वीं क्लास में 57% आए थे। अगर आपको 11वीं के आधार पर 12वीं में नंबर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा जी? बहुत दुखी लगेगा जी। वैसे जो 11वीं के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे उससे कुछ नहीं हो सकता हमारा, सब सारी जगह परसेंटेज के हिसाब से ही चलता है काम। सारी प्रॉब्लम ये आएगी परसेंटेज कम के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाएगी। आपको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, क्या वजह है इसकी? कि मन यही वजह है कि देखो हमने पहले अपनी पूरी मेहनत करके हमने पेपरों की इच्छा जुटाई थी, इच्छा है लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास करके हमने पूरी इच्छा करी कि हम पेपर देंगे। आपकी पिछली पीढ़ी में कितने लोग हैं जिन्होंने कक्षा 12 या उससे ज़्यादा ग्रेजुएशन कर ली हो? वे तो भाई दो है, वे भी बेचारे वे नहीं रहेंगे, उन्होंने भी कोई नौकरी पोकरी नहीं करी। जो पहले बड़े बूढ़े थे वे क्या करते थे कि नौकरी पोकरी का क्या चक्कर, छोड़ दो पढ़ाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब भी ऐसे ही लग रहा है कि हमें इस पीढ़ी में भी कि हमें भी नहीं करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि अपनी मजदूरी पुजदूरी करो, अपना काम करो, नौकरी की तो कोई चांस ही नहीं है। तनाव यह है कि घर वाले भी कहते हैं कि इतने साल बर्बाद करते, 12 साल बर्बाद करते तूने पढ़ाई के चक्कर में, जो काम सीख लेता अब तक कुछ और कहीं और करना कामयाब होता, पर लेकिन अब तो घर वाले भी ज़्यादा वो कर लगे, अब हमारा ना इधर के हम ना उधर के वैसा हो गया काम हमारा। अब पढ़ाई उस लेवल पर हो नहीं पा रही है जिस लेवल पर सोचा था। हालांकि जो हमारा ये छुट्टियां रही हैं, जो हमारा लॉकडाउन की वजह से घर पर रहकर, जैसा कि लगता है मोस्टली को कि घर रहकर अच्छी पढ़ाई हो सकती थी, आप सेल्फ स्टडी कर सकते थे, लेकिन जैसे कि आपको बताया कि घर में काम होता है और काम वगैरह में और घर में एडजस्ट कर पाना फैमिली मेम्बर्स के बीच में पढ़ाई के लेवल को, कभी कुछ काम हो जाता है आपको, कभी कुछ काम हो जाता है, तो उस हिसाब से पढ़ाई हो नहीं पा रही थी।